वेलकम टू माय चैनल रेनूवाला क्रिएटिविटी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मौली की दो बहुत ही आसान और सुंदर राखी बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले मौली को उंगलियों पर मैंने लपेट लिया है मोटा करके, उसके बाद बीच से उसी के धागे से गांठ लगा दूंगी। इसे मजबूती से बांधना होता है। दो गांठ मैंने लगा दी है मजबूती से ताकि यह खुले ना। उसके बाद इसे बीच से कैंची से कट लगा दूंगी। मोती गुथेंगे, दो मोती। फिर ये स्टोन वाली लैस आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसके तीन तीन लड़ी हमें कट कर लेनी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और एक एग्जाम बोर्ड में इसे ऊपर से बेस बना देना ताकि हमें गुथने में कोई परेशानी ना हो। अब मैं दोनों सुई की सहायता से इसको बहुत अच्छे से गूंथ लूँगी और बहुत ही आसानी से यह बन भी जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से गूंथते जाएंगे। मैंने 5 स्टोन इसमें कट करके डाला है, 5 पीस। आप 6 पीस भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे कलाई पर रख कर नाप लूँगी कि ये सही लग रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं एक नॉट लगा दूँगी ताकि ये अपने स्थान से खिसके ना। इसी तरह से मैं एक और डोरी तैयार कर लूँगी जो कि नीचे मौली के बेस को रखूँगी,
उसके ऊपर डोरी, फिर वेलवेट को बनी हुई डिजाइन को चिपका लूँगी। मौली के पीछे का बेस उस पर भी चिपका कर एक राखी और तैयार की हूँ। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने दो बेस और तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर से मैंने ग्लू लगा के उसको आपस में चिपका दिया। ये तीन बेस से बनी राखी और भी खूबसूरत लगती है और कुछ अलग इसका लुक आता है। देख, इसी तरह की बहुत सारी मैं राखी बनाने बताऊंगी आगे भी, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।